अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। इस वीडियो में हम टेम्प रन कंट्रोलर को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ये कंट्रोलर इस्तेमाल नहीं किया और कंट्रोलर इस्तेमाल करने का तरीका सीखना चाहते हैं। अगर आप ये कंट्रोलर पहले ही इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें 12 फैन लगते हैं, ये दो कूलिंग पैड की मोटर्स लगती हैं और एक हीटर लगता है। बाकी इसके अलार्म वगैरह और लाइट्स वगैरह का भी सिस्टम इसमें होता है। आप देखते हैं कि पंखों को टेम्परेचर पे सेट कैसे करते हैं। इसके लिए आप इसको पहले सेलेक्ट दबाएंगे और अब फैन वन आपके सामने आ गया और इसका टेम्परेचर आ गया। अब प्रोग्राम दबाएं, प्रोग्राम मीन्स एडिट, आप एडिट कह सकते हैं इसे। प्रोग्राम दबाने के बाद जब इसकी लाइट ऑन हो जाए, इट्स मीन कि ये एडिट मोड पे चला गया। अब इसको जो एरो वन है इसको दबा के आप इसकी जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने ये कर दिया जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ऑन कर दिया। अब फिर प्रोग्राम दबाएं तो ये इसकी सेटिंग सेव होगी। नीचे वाला फिर एरो दबाएं तो अब ये 20 डिग्री पे ऑफ है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन है। अब इसको जो ऑफ है इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोग्राम दबाएं और इसको एरो को ऊपर ले जाकर या नीचे ले जाकर आप इसकी सेटिंग अप डाउन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसको 30 पे ऑन किया था तो अभी हम इसको 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑफ करेंगे जी। तो ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑफ हो गया और 30 पे ऑन था। इसको प्रोग्राम दोबारा दबाएंगे, प्रोग्राम की लाइट ऑफ हो गई है, इट्स मीन कि ये सेटिंग इसकी सेव हो चुकी है। अब ये 30 पे ऑन है, 29 पे ऑफ है। अब इसको आपने टाइमर पे भी सेट करना है कि 29 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ये टाइमर पर भी चलता रहे। तो अब इसकी जो सेटिंग टाइमर की है वो होती है F21। जो फैन नंबर 2 होगा उसकी सेटिंग होगी F22। जो फैन नंबर 3 होगा उसकी सेटिंग होगी टाइमर की F23। अब ये F21 पे यहाँ पे आप इसको, अभी ये 5 मिनट ऑन है और 00 ऑफ है, यानी कि ये ऑन ही है। अब इसको यहाँ पे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें आप इसको 2 मिनट ऑन रखना चाहते हैं तो पहले प्रोग्राम दबाएं, यहाँ पे आप इसको नीचे वाला एरो दबा के आप इसको 2 मिनट ऑन कर सकते हैं। और ऑफ इसका अगर फर्ज करें आप 3 मिनट रखना चाहते हैं तो प्रोग्राम दबा के आप इसकी ऑफ को एडिट कर सकते हैं। अब ये 2 मिनट ऑन हो गया और 30 मिनट ऑफ हो गया। फर्ज करें कि आप ये चाहते हैं कि मेरा टेम्परेचर जो मैंने सेट किया है, यानी कि 30 पे ऑन है और 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑफ है, इसके दरमियान ये टाइम पर ना चले, ये इतने दरमियान में मैनुअल चलता ही रहे। अगर टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री से ऊपर जाए तो ये मैनुअल चल जाए, अगर मेरा टेम्परेचर 29 डिग्री से नीचे आए तो ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली पंखे को बंद कर दे। ऐसा करने के लिए आपने ये करना होगा, प्रोग्राम दबाएं और इसकी ऑफ को 00 कर दें, मतलब इसकी ऑफ ख़त्म कर दें और मुसलसल इसको ऑन रखें। ऑन चाहे आप 10 सेकंड कर लें या 2 मिनट कर लें या 50 मिनट कर लें, जितने भी कर लें, पर इसकी ऑफ 00 होनी चाहिए तो ये फिर मुसलसल ही चलता रहेगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर इसको ऑन कर दिया, 29 पे इसको ऑफ कर दिया और फिर इसमें टाइम भी सिलेक्ट कर दिया। फर्ज करें 2 मिनट ऑन आपने कर दिया है और 3 मिनट आपने इसको ऑफ कर दिया है, तो फिर भी ये वही करेगा कि 30 पे जाके ऑन हो जाएगा और 29 पे जाके ऑफ हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें टाइमर आप एडजस्ट कर देंगे तो फिर ये चलता ही रहेगा टाइमर पे। अगर फर्ज करें कि आप इसका जो टेम्परेचर की सेटिंग है उसको आप यहाँ पे फैन नंबर 1 की आप ऑन टेम्परेचर जो है ये आप इसका 31 कर दें और इसका जो ऑफ टेम्परेचर है ये आप इसका बेशक 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, जितना भी कर दें, इसके दरमियान आप जितनी भी टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, टाइमर सेलेक्ट करेंगे, वो इसके दरमियान चलता रहेगा। ये होता है पुराने वाले मॉडल में जिनका सॉफ्टवेयर वर्जन 4 नंबर से नीचे होता है। अगर इसका सॉफ्टवेयर वर्जन आपका 4.1 है, 4.0 है, 4.3 है, फिर इस कंट्रोलर में ये सेटिंग नहीं चलेगी। उसमें ऐसा होगा कि आपने जब पंखा कोई भी टाइमर पर सेलेक्ट करना है तो उसकी आप ऑन और ऑफ में ज़्यादा फासला नहीं रखेंगे। फ़र्ज करें कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हाउस के अंदर है वो 30 डिग्री है, तो आप ऐसा करेंगे कि इसको 31 डिग्री पे ऑन कर देंगे और 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर इसको ऑफ सेलेक्ट कर देंगे। मतलब आप इसकी, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है सॉफ्टवेयर का, नया मॉडल है, तो फिर आप इसकी टेम्परेचर की ऑन और ऑफ की सेटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं रखेंगे। रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे इसको सेट कर देंगे और वहाँ पे इसका 31 पे आप ऑन कर दें और 30.9 पे ऑफ कर दें। इसके दरमियान आप कोई भी सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, टाइमर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, वो वहाँ पे चलता रहेगा। अभी 2 मिनट ऑन है
तो 3 मिनट ऑफ है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक नंबर का जो इशारा है ये ऑन और ऑफ होना शुरू हो गया है। अगर ये इशारा ब्लिंक कर रहा है, बार बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इसका मतलब है ये पंखा टेम्परेचर या टाइमर पे सेट हो चुका है। अगर ये इशारा मुसलसल ऑन है तो इसका मतलब है कंट्रोलर ने फैन नंबर 1 को मुसलसल ऑन किया हुआ है। अगर ये इशारा बिल्कुल बंद है, ये बार बार ऑन ऑफ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कंट्रोलर ने फैन नंबर 1 को यहाँ पे बंद किया हुआ है। दूसरी सेटिंग इसकी आ जाती है जी हीटर की, पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे टेम्परेचर फॉर कूलिंग हीटर ऑन स्लैश ऑफ। यहाँ पे आप इसको हीटर, ये हीटर की पहले सेटिंग आ गई 28.7 पे इस टाइम ये ऑन है, 29.2 पे ये ऑफ है। यहाँ पे आप इसको प्रोग्राम दबा के इसकी सेटिंग जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। जब लाइट ऑन होती है तो ये एडिट मोड में होता है, उस टाइम आप इसको जो भी सेटिंग करेंगे वो आप करके जब दोबारा प्रोग्राम दबाएंगे लाइट ऑफ हो जाएगी तो ये इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन इसका होता है और वो है यहाँ पे कूलिंग का। इसकी जो कूलिंग मोटर नंबर 1 है उसको आप यहाँ पे टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं, 28 टेम्परेचर पे ऑन हो गई, 27 टेम्परेचर पे ऑफ हो गई, ऐसे ही आप कूलिंग की मोटर नंबर 2 को भी सेट कर सकते हैं। और फिर आगे जाके इसका C21 पे जाके आप इसको टाइमर पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको फर्ज करें 1 मिनट ऑन कर दिया है C21 को और यहाँ पे आपने 10 मिनट ऑफ है तो आप इसको बेशक 11-12 मिनट ऑफ कर लें तो ये इतने देर मोटर आपकी ऑन ऑफ चलती रहेगी। उसके बाद नीचे आता है जो ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग ऑफ। फर्ज करें कि आपने ह्यूमिडिटी सेट कर दी है कि जब मेरे हाउस में नमी का तनासब 70% से ऊपर हो जाए या 70 हो जाए तो जाकर जो इसकी मोटर है ये बंद हो जाए, चाहे टेम्परेचर जो भी हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 70% पे नमी के तनासब को सेट कर सकते हैं। जब नमी हाउस के अंदर 70 होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी, चाहे आप इसने उसकी आपने टाइमर जो भी रखा हो, जो भी सेटिंग रखी हो, जब 70 पे उसकी नमी पहुंच जाएगी तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब आते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। इसको चेक करने के लिए मैंने इसका एक सेंसर उतारा हुआ है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसका जो ये लेवल होता है TSN, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये 1-2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही सेंसर दोनों तरफ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टेम्परेचर शो कर रहा है। मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ कि ये T1 ही सिलेक्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही टेम्परेचर जो है, जो ब्रूडन का मैंने सेंसर लगाया हुआ है, वो टेम्परेचर शो कर रहा है और इन हाउस वाला जो है वो ओपन बता रहा है। एक अगर आपके पास सेंसर है उसको आप लगाएं और वो आप चाहते हैं कि एक ही सेंसर दोनों साइडों में टेम्परेचर दिखाए तो यहाँ पे आके TSN पे आप इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के बाद आप इसको 1-2 कर देंगे तो ये एक सेंसर आपको दोनों तरफ टेम्परेचर दिखाना शुरू कर देगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल PPS40 सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।